अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। और लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लास्ट फोर लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर फिनिश किया है बुद्धिस्ट। आपने पूरा रीड किया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके हिसाब से अच्छे से देखा होगा। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ ग्रीस। आज हम यूनान पढ़ने जा रहे हैं एंड पेज नंबर इज़ 309। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में जहाँ हमने पहली सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं लाइक मेसोपोटामिया, सुमेरियंस, इजिप्शियंस, इंडस वैली, इसी तरह से इन तमाम बड़ी सिविलाइजेशंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जिनकी आर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है और बहुत सारी फील्ड्स में भी कंट्रीब्यूशन है वो देखने में आती है, और वो है ग्रीक्स, यानी कि ग्रीक्स की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट। दुनिया में बहुत फेमस हुई और बहुत नाम बनाया, और हम इसको हिस्ट्री ऑफ आर्ट में क्लासिकल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। यूनान के जो लोग थे वो बहुत सादा थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो काफ़ी रियलिस्टिक थे, और यही चीज़ इनकी आर्ट में नज़र आती है, आर्ट की तमाम फील्ड्स में नज़र आती है। लाइक स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो रियलिस्टिक थे, हाँ आइडियलिस्टिक भी थे, और इसके साथ साथ हमें आर्किटेक्चर में उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन नज़र आती है। अब तक जितना भी ग्रीक आर्ट हमारी नज़र में आता है वो रोमन्स की बनाई हुई कॉपीज़ हैं। एक्चुअल ग्रीक आर्ट के जितने भी बिल्डिंग्स हैं या जितना भी आर्किटेक्चर है और जितने भी स्कल्पचर हैं वो ऑलमोस्ट तबाह होकर फिनिश हो गए। अगर हम ये देखें कि यूनान के जो लोग हैं वो किन किन फील्ड्स में फेमस हुए या कौन कौन सी फील्ड्स थी जिनमें वो लोग काम करते थे, तो उसमें वो लोहार भी थे, संगतराश भी थे, असला बनाने वाले भी थे, और साथ के साथ आर्टिस्ट भी थे। और इनकी जो मईशत है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, और ऑल्दो कि इनकी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए इतनी सपोर्टिव नहीं थी और काफ़ी थका देने वाला काम था, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो मईशत है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती थी। अमीर से अमीर लोग भी जो थे उनके पास 30 से 20 एकड़ ही ज़मीन उनके हिस्से में थी। इनकी लाइफ काफ़ी मुश्किल थी, ग़ुलामों को रखने का इतना रिवाज नहीं था, सादा खुराक खाते थे। इसके अलावा इनकी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, ज़हीन बहुत थे, और ज़हीन होने की वजह से यूनानियों ने तकरीबन हर फील्ड में अपना नाम बनाया, मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी, आर्किटेक्चर में भी, और मेडिसिन में भी, केमिस्ट्री में भी, और फ़िलासफ़ी में स्पेशली। अगर आप देखें तो दुनिया में बड़े ही तीन फेमस किस्म के फ़िलासफ़र्स हैं, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, और इनका जिक्र बार बार हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या थी। अच्छा, ग्रीक एक ऐसा कंट्री था जिसके तीनों तरफ समंदर यानी कि पानी था, जिसकी वजह से वहाँ पे कुदरती बंदरगाहें थीं, और कुदरती बंदरगाह होने की वजह से उन्हें तजारत में बहुत ज़्यादा आसानी थी और तजारत को काफ़ी फ़रोग मिला था। और इसके अलावा एक पहाड़ी सिलसिला था, यानी कि ज़ोपास पहाड़ जो थे वो शुमाल से होकर जनूब की तरफ गल्फ और कुरिंथ की तरफ जाते थे। कुदरती बंदरगाहें होने की वजह से इन्हें तजारत में जहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वहाँ ये भी था कि लोकली पहाड़ों के अंदर इनके लिए मूव करना काफ़ी मुश्किल था, और सड़कों की कमी की वजह से एक ही हुकूमत के अंदर यानी कि एक ही गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए ग्रीक के जो पोर्शन हैं वो हमें मेडिटेरियन सी के साथ साथ बटे हुए नज़र आते हैं, यानी कि छोटी छोटी रियासतों की शक्ल में नज़र आते हैं। और ये रियासतें जो थीं वो आपस में एक दूसरे के साथ, इनके हालात जो थे वो कशीदा ही रहते थे, और इनकी जंगें जो थीं वो चलती ही रहती थीं, यानी कि बारबेरियन टाइप के भी ये लोग थे, और आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते थे। और 8वीं सदी का ब्लस मसीह में जाके कहीं ग्रीस जो था वो यूनाइटेड ग्रीस बना। फिर सेकंड पहलू हमारे पास ये आता है कि इसकी जियोलॉजिकल सिचुएशन क्या थी, यानी कि इसका अर्ज़ियाती पहलू जो था वो हमें हिस्ट्री में कैसा नज़र आता है। यूनान और इसके इर्द गिर्द में ज़्यादातर चूँकि पहाड़ थे, पहाड़ होने की वजह से इनको स्टोन बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के स्टोन में हमें इनका मार्बल नज़र आता है, यानी कि मार्बल का पत्थर बहुत ज़्यादा था, और यही मार्बल का पत्थर इन्होंने अपने आर्ट में इस्तेमाल किया, यानी कि स्कल्पचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और ये मार्बल के स्कल्पचर नहायत ही स्किलफुली जो हैं वो बनाए गए।
और हमें स्किलफुली बनाए गए और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी हमें हिस्ट्री में, ग्रीक हिस्ट्री में मिट्टी के बर्तनों की भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और हमें ये जो पॉटरी है अर्ली ग्रीक्स में हमें नज़र आती है, अर्ली क्लासिकल पीरियड में हमें नज़र आती है। फिर हम ये देखते हैं कि वेदर, यानी कि इसकी जो मौसमी कंडीशन थी, यानी कि जो इसकी वेदर कंडीशन थी वो कैसी थी। यूनान का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, बहुत ज़्यादा सर्द नहीं था, कम सर्दी थी, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनते थे। यूजुअली जो है वो हमें चोगा, सैंडल और कुर्ता वगैरह में नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये फ़िलोसॉफिकल थॉट्स में और फ़िलोसॉफिकल जो इनकी गुफ्तगू है उसमें बिज़ी रहते थे। चट्टानों का ये मुल्क कहलाता था, जंगल बहुत ज़्यादा कम थे, साफ़ सुथरा और रोशन माहौल था, लोग ज़्यादा टाइम अपना घरों से बाहर गुजारते थे। और यही चीज़ जो है वो हमें इनकी सोशल लाइफ में नज़र आती है और इनको बहुत ज़्यादा फेमस करती है, क्योंकि ये सर्दियों में स्पेशली इनके यहाँ खेलें हुआ करती थी, ड्रामाज हुआ करते थे, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट इनकी सेरेमनीज हैं या इनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनके लिए ओपन एयर थिएटर में जाया करते थे। और इस गर्मियों में सूरज की तपश से बचने के लिए और सर्दियों में अचानक बारिश से बचने के लिए इनकी जो आर्किटेक्चर है वो उसमें हमें पोर्टिकोज और कॉलिनेट्स नज़र आते हैं। फिर ग्रीक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू नज़र आता है मज़हब के बारे में, यानी कि रिलीजन के बारे में, ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे। यूनानी जो थे इनका मज़हब बहुत ज़्यादा कदीम था। ये लोग आपने ज़्यादातर देखा होगा, हमने जितनी सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं उसमें लोग नेचुरल पावर्स जो थे उनको उनकी पूजा करते थे। तो यूनानी भी नेचुरल पावर्स लाइक सूरज, चांद, सितारे और कुदरती मनाजर जो हैं, चट्टानों से लिए गए पत्थर के सतून और हर किस्म के दरख्त और जानवरों को, एनिमल्स को जो है वो सेक्रेट समझते थे। तरक्की के मुख्तलिफ जो दौर थे उनमें से गुजरने के लिए वो देवताओं को देखते थे और इन देवताओं के वो मुजस्मे बनाते थे। इसके अलावा जो इनकी रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको वो प्रॉपरली फॉलो करते थे। पूजा जो थी वो खुली गारों में, गिरजों या मकबरों में की जाती थी। देवता को एक ख़ास एलिमेंट से जो है वो सजाया जाता था और देवता या रुस्त में वक्त की पूजा की जाती थी। हर शहर और ज़िले का एक अपना देवा और देवता और देवी हुआ करते थे। तकरीबात मनाई जाती थी और डिफरेंट किस्म की जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो किया जाता था। पुजारी और पुजारन आम जिंदगी गुजारते थे। ख्याल किया जाता है कि ज़ूस जो है, यानी कि ज़ूस, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ज़ूस देवता, उसकी बीवी और 12 बच्चे बर्फ पोश ओलंपस पहाड़ पे रहा करते थे। यूनान के अहम देवी देवता जो हैं उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो फेमस ग्रीक गॉड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ज़ूस, सबसे पहले हम देखेंगे ज़ूस को। ज़ूस का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ज़ूस जो है वो इनका सबसे बड़ा गॉड था, जो कि जुपिटर भी कहलाता था, और वो स्काई पे रूल करता था। फिर है हेरा, ज़ूस की बीवी कहलाती थी और वो मैरिज की और पैदाइश की देवी थी। फिर अपोलो द मोस्ट फेमस कानून, फन मौसीकी, शायरी और शहरों की दरियाफ्त का देवता था। एथेना अकलमंदी की देवी कहलाती थी। पोसाइडन समंदर का देवता था। डियोसन शराब और औरतों का देवता था। डिमिटर ज़मीन और ज़रात की देवी थी, ठीक है। गॉडेस ऑफ चेस एंड आर्टिमिस जो थी खुदा का पैगाम रसा और तजारत का देवता समझा जाता था हरमीस को। इसी तरह से एरिस जो है वो जंग का देवता था। एफ्रोडाइट खूबसूरती और मोहब्बत की देवी थी। और इन तमाम गॉड्स को जो ग्रीक्स थे वो फॉलो करते थे और हर गॉड का अलग 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 काम था जिसके अकॉर्डिंगली उसको हम जानते और पहचानते हैं। सकाफती ज़िंदगी में देवता जो थे वो बहुत अहम किरदार अदा करते थे। इनके बारे में यूनान में ख़ास तौर पे जो है वो माइथोलॉजी है। ये गॉड्स के हमें स्कल्पचर्स ग्रीक आर्ट में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में ये हमें नज़र आते हैं। और इसके अलावा इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है। त्यौहारों का इनसार भी मौसीकी, ड्रामा, दस्तकारी और खेलों पर था। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आप इसमें ये जो ग्रीक गॉड्स के बारे में हमने डिटेल देखी है
ग्रीक गॉड्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ग्रीक गॉड्स के नेम्स और उनके जो पहचान है यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको याद करना है। थैंक यू सो मच, इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।